भारती परिवार में स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 हिंदी का पार्ट 2 झूठ का सच। ये झूठ का सच जो ये कहानी है जो किसने लिखी है, इसके लेखक है गोनू झा। तो आज हम इनका पहले कवि परिचय पढ़ेंगे। तो बच्चों हम पढ़ेंगे पहले इनका लेखक परिचय। गोनू झा बीरबल अवंती तथा तेनालीराम की तरह बुद्धिमान और हाजिर जवाबी था। तो उनका जन्म 13वीं शताब्दी में दरभंगा जिले के भरण नामक गांव में हुआ था। वे दरभंगा के महाराज के दरबारी थे। उन्हें बिहार का बीरबल भी कहा जाता था। उनकी बहुत सी कहानियां प्रचलित है और उन प्रस्तुत कहानियों में उनमें से ही एक कहानी हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो हम कहानी शुरू करते हैं। गोनू झा का एक लंगोटिया यार यानी बहुत ही बचपन का दोस्त, वह उनके दुख सुख का साथी था। उसने उससे कभी मनमुटाव भी नहीं हुआ था। मतलब कि गोनू झा का एक बचपन का दोस्त था, वो सुख दुख भी आपस में मिलकर बांटते थे, वो सुख दुख के साथी थे और उनमें कभी भी मनमुटाव यानी कभी भी कोई झगड़ा नहीं हुआ था। एक दिन उसने गोनू झा से कहा कि मित्र, सभी लोग तुम्हारा लोहा मानते हैं। लोहा मानते हैं मतलब तुम्हें बहुत शक्तिशाली समझते हैं। तुम कैसे किसी दोस्त को दुश्मन, दुश्मन को दोस्त, मूर्ख को विद्वान, साधु को ठग और बेईमान को ईमानदार सिद्ध कर देते हो। वो दोस्त क्या कहता है कि तुम कितने शक्तिशाली हो, तुम्हारे कितना दिमाग है कि तुम किसी भी दोस्त को दुश्मन और दुश्मन को दोस्त, मूर्ख को विद्वान और साधु को ठग और बेईमान को कैसे तुम ईमानदार बना देते हो, यह बात मेरी समझ में नहीं आती। गोनू झा ने सहज भाव से कहा, मतलब कि वो सहजता से उन्होंने कहा कि मैं किसी को भी एक नजर से ही पहचान जाता हूँ कि आदमी अच्छा है या बुरा। तदनुसार यानी उसके बाद उसके अनुसार उस पर मेरी धारणा बदमूल होती है। बदमूल का मतलब हुआ विचार, यानी कि उनके जो विचार थे वो बदमूल यानी अटल थे। उसी के स्वभाव के अनुसार मैं निर्णय कर लेता हूँ कि अगर कोई परिस्थिति बस झूठा अथवा बेईमान बन भी जाता है, जबकि उसका चरित्र वैसा नहीं होता है, वो उनके स्वभाव के अनुसार वो उनकी विचार उनकी धारणा वो बना लेते हैं कि ये इंसान कैसा है, तो मैं उसे सुधारने का अवसर जरूर देता हूँ। अगर वो बेईमान है या झूठा है तो वो उसको सुधारने का अवसर देता है। उसी प्रकार कोई मक्कार या पाखंडी अगर महान बना रहता है तो मैं उसका वास्तविक रूप उद्घाटित करके ही दम लेता हूँ। मतलब कि अगर जो भी अगर मक्कार या पाखंडी जो होता है वो अगर महान बनने की कोशिश करता है तो उसका जो वास्तविक रूप है वो भी वो उद्घाटित करके ही दम लेते हैं। अब उद्घाटित का मतलब हुआ कि उसको सामने लेके आना, उसका जो पीछे का जो सच है उसको सामने लाना। मित्र ने उत्सुकता से पूछा, मेरे बारे में तुम्हारी क्या धारणा है। अब वो मित्र उससे पूछता है कि तुम्हारा विचार क्या है मेरे बारे में, वो उससे पूछता है। गोनू झा ने अनमने भाव से कहा, मतलब कि उदास मन से उसने कहा, तुम तो मेरे अजीज दोस्त हो, मतलब कि तुम तो मेरे सबसे प्रिय दोस्त हो, इसलिए तुम्हारे बारे में क्या धारणा बनाऊं, तुम तो मेरे प्रिय मित्र हो इसलिए तुम्हारे बारे में मैं क्या विचार बनाऊं, उसने जोर से कहा। फिर भी गोनू झा ने चिंता प्रकट करते हुए कहा, मुझे शंका हो रही है कि इससे हमारी दोस्ती दुश्मनी में नहीं बदल जाए। अब गोनू झा ने चिंता प्रकट करते हुए कहता है कि मुझे तो बहुत चिंता हो रही है कि हमारी दोस्ती कहीं दुश्मनी में ना बदल जाए। ना ना, इतने दिनों की दोस्ती और तुमसे दुश्मनी तो ठीक है, मैं सोचता हूँ, गोनू झा ने सहजता से कहा। अब उसने कहा, मित्र ने कहा कि हमारे इतने दिनों की दोस्ती दुश्मनी में कैसे बदल सकती है, नहीं नहीं ऐसा तो हो ही नहीं सकता। वह दोस्त अक्सर गोनू झा से यही प्रश्न कर देता और गोनू झा यह कहकर टाल देते,
मैं अपने कामों में लगाऊंगा। समय आने पर बता दूंगा, तब तुम मुझे एक मिट्टी के 1000 सिक्के दे सकते हो। उसने क्या कहा? उसने दोस्त गोनू झा से यह प्रश्न किया कि गोनू झा यह कहकर टाल देते हैं कि मैं तो अपने कामों में लगा हूँ। वो अपने विचार उससे पूछने लगता है, तो वो हर बात को टाल देता है कि मैं तो अपने कामों में लगा हूँ, इसलिए समय ही नहीं मिला, और अगर मुझे लगा तो मैं तुम्हें मिट्टी के 1000 सिक्के दे सकता हूँ। अब गोनू झा क्या कहते हैं कि अभी तो 500 ही चाहिए और शेष बाद में दे देना। मित्र से क्या कहते हैं कि अभी तो 500 ही सिक्के चाहिए, बाकी के शेष बाद में दे देना। मित्र ने पहले तो बात टालनी चाहिए, किंतु काम बड़ा नहीं था। फिर गोनू झा जैसा परम मित्र जो न जाने कैसा कैसा सवाल भरता है, इसलिए उसने हामी भर दी। अब ये कहता है गोनू झा जैसा परम मित्र, उसका मित्र कहता है कि गोनू झा जैसा परम मित्र मुझे कैसा कैसा स्वांग भरता है, मतलब कैसे कैसे रूप वो बनाता है, इसलिए उसने हामी भर दी। मित्र शीघ्र ही मिट्टी के 500 सिक्के देने आ गया। अब गोनू झा को वो मित्र 500 सिक्के देने आ गया, और गोनू झा ने चौंकते हुए कहा, मित्र तुम ही सब दिन नालायक ही रहे। क्या कहता है गोनू झा कि तुम भी सब दिन नालायक ही रहे, इतने सिक्के दे रहे हो तो आकर्षक बटुए पे दो। वो तो ऐसे ही लेके आया हाथ में और देने लगा, तो गोनू झा ने कहा तुम तो सब नालायक ही रहे, ऐसे इतने सारे सिक्के तो किसी आकर्षक बटुए में ही दो। वह ये भी मान गया, ठीक है। गोनू झा ने कुछ दिनों के लिए शेष सिक्कों का तगादा छोड़ दिया। अब गोनू झा ने कुछ दिनों के लिए सिक्कों को बचे हुए जो सिक्के थे उनको तगादा यानी मांगना ही छोड़ दिया। हाँ, जब सब दोस्त इकट्ठे होते तो उनके सामने कह उठता, याद है ना 500 सिक्के बाकी है। मित्र कभी हंसकर तो कभी खींचते हुए कह देता है, मतलब कभी तो हंसता है और कभी खींचते हुए, मतलब झुंझलाते हुए या गुस्से में या क्रोधित होते हुए खींचते हुए कह देता है, हाँ हाँ रोज रोज क्या तगादा करते हो, यानी कि रोज रोज तुम क्या मांगते हो, कभी दे दूंगा ना, कभी भी दे दूंगा, तुम रोज रोज मुझसे क्यों मांगते हो सिक्के। अब गोनू झा ने क्या किया, एक दिन गोनू झा ने पंचायत बुलवाई, गणमान्य लोग उपस्थित हुए। गणमान्य यानी जो स्पेशल वहां पे जो मुखिया होते हैं ना, वो लोग उपस्थित हुए। गोनू झा ने अपनी फरियाद की, मतलब उन्होंने अपनी जो उनको प्रॉब्लम थी फरियाद यानी शिकायत, तो उन्होंने गोनू झा ने जो गणमान्य लोग यानी जो बड़े बड़े मुखिया थे उन लोगों को उपस्थित किया, और गोनू झा ने अपनी शिकायत फरियाद यानी शिकायत की, यह मेरा लंगोटिया यार है, इसने शीघ्र लौटाने की शर्त पर 6 महीने पूर्व मुझसे 1000 सिक्के लिए थे, 500 तो शीघ्र ही लौटा दिए और शेष से मुकर रहा है। अब उसने क्या शिकायत की गोनू झा ने कि यह तो मेरा बचपन का दोस्त है, इसने 6 महीने पहले 1000 सिक्के लिए थे और 500 तो इन्होंने शीघ्र ही लौटा दी, मतलब जल्दी दे दिए, लेकिन बाकी जो शेष 500 है वो देने से वो मुकर रहा है, यानी कि मना कर रहा है। अभी तक चैन से बैठे मित्र ने अपने ऊपर लगे गंभीर आरोप से चौंकते हुए कहा, उसके ऊपर जो आरोप लगाए गए थे उससे वो सुनकर अभी गंभीर रूप से चौंकने लगा और कहा, मित्र क्या कह रहे हो, यह भी कोई पंचायत में कहने की बात है। अब क्या कहता है उनका उसका मित्र कि ये कोई शिकायत है जो तुम पंचायत में कर रही हो, कोई बात है। गोनू झा ने झुंझलाते हुए कहा, तो मैं क्या करूं, और कोई रास्ता ही नहीं बचा, मैं भी प्रतिदिन तगादा करते करते कूद चुका हूँ। तो गोनू झा क्या कहते हैं कि मैं तो शिकायत करते करते तुमसे शिकायत करते करते मतलब पैसा मांगते मांगते मैं थक गया हूँ, ऊब चुका हूँ, मतलब थक गया हूँ। उपस्थित लोगों की ओर मुखातिब होते हुए गोनू झा ने बोले, उपस्थित लोगों की ओर देखते हुए गोनू झा बोले, क्या कि भाई बंधु आप लोग जानते ही हैं कि इससे जब जब मेरी मुलाकात हुई, यानी कि जब जब मैं इससे मिला,
तब तब मैं एक प्रकार का करता रहा, मतलब जब जब वो अपने मित्र से मिला तब तब उसने अपने सिख के मांगने चाहे। यह सुनकर कुछ लोग मौन रहे, यह सुनकर कुछ लोग मौन रहे मतलब कि चुप रहे, शांत रहे, और कुछ ने हाँ में हाँ मिलाकर समर्थन किया मतलब कि साथ दिया। फिर तो वह दोस्त गोनू झा को बेईमान, ठग, धूर्त इत्यादि अब शब्दों से विभूषित करने लगा, मतलब कि जो मित्र था वो गोनू झा को क्या समझने लगा, क्या कहने लगा कि बेईमान, ठग, धूर्त आदि अब शब्दों से उसे विभूषित करने लगा, मतलब कहने लगा। और विस्मित होते हुए पूछा, कब मैंने तुमसे सिक्के लिए और कब लौटाए। अब वो इस बात से मुकरने लगा कि मैंने तुमसे सिक्के कब लिए और कब मैंने सिक्के लौटाए। गोनू झा ने अपने थैले से आकर्षक बटुआ निकाला जिसमें दोस्त ने मिट्टी के 500 सिक्के दिए थे। तो अब गोनू झा ने क्या किया, गोनू झा ने अपना थैले में से जो उसने सिक्के रखे दिए थे, स्पेशल बटुआ जो था उसे निकाला और उन पंचों को बटुआ दिखाते हुए कहा। अब वो बटुआ दिखाते हुए क्या कहते हैं सरपंच को कि पंच परमेश्वर इसी से पूछिए कि यह बटुआ किसका है। उसने बेइज्जत कहा, मतलब कि उसने बिना हिचकिचाहट के कह दिया कि तुम इससे पूछिए कि यह बटुआ किसका है, तो मेरा ही, पर इसमें मैंने मिट्टी के सिक्के दिए थे। अब उसके मित्र ने क्या कहा कि यह बटुआ तो मेरा ही है पर इसमें मैंने मिट्टी के सिक्के रखकर उसे दिए थे। अब गोनू झा ने उपहासात्मक मुद्रा में कहा, मतलब कि वो हंसने जैसे मुद्रा में कहा कि लीजिए मेरी मती मारी गई है या बच्चा हूं कि मिट्टी के सिक्कों से खेल करूं। अब उसने हंसते हुए कहा कि क्या मेरी बुद्धि मारी गई है जो मैं, या फिर मैं बच्चा हूं जो मैं मिट्टी के सिक्कों से खेलूंगा। उसका समर्थन करते हुए सरपंच ने कहा, गोनू झा का साथ देते हुए सरपंच ने कहा कि गोनू जी ठीक कहते हैं, भला ये मिट्टी के सिक्के लेकर क्या करेंगे, इसलिए यथाशीघ्र इन्हें शेष सिक्के वापस कर दें। क्या कहा पंचों ने कि जल्दी से जल्दी इनके जो बचे हुए सिक्के हैं उन्हें वापस कर दें, अन्यथा सूद समेत लौटाने पड़ेंगे, यानी अन्यथा मतलब कि उसे और आगे ज्यादा उसे देने पड़ेंगे। युद्ध और क्रुद्ध होने के बावजूद मित्र को सिक्के वापस करने पड़े और बदनामी और बेइज्जती हुई सो अलग। अब उसने युद्ध और क्रोध मतलब गुस्से में होने के बावजूद भी उसने मित्र को सिक्के वापस तो करने ही पड़े, लेकिन जो बदनामी और बेइज्जती हुई वो तो अलग। उस दिन से वह गोनू झा का मुख नहीं देखना चाहता था, इतना ही नहीं उसका नाम सुनकर भी भड़क उठता था। अब वो सिक्के तो देने उसे पड़े, चाहे उसकी बेइज्जती भी हुई वहां पे और मजाक हुई, बदनामी हुई सो अलग, लेकिन उसके बाद से वो गोनू झा का मुंह नहीं देखना चाहता था और उसका नाम भी सुनकर वो भड़क उठता था। दोस्त की किराने की दुकान थी। कुछ दिनों बाद दुकान के अहाते में गणमान्य लोगों को पहुंचते देख उसे उत्सुकता हुई कि माजरा क्या है। माजरा क्या है मतलब कि उनके दोस्त, उसके जो दोस्त थे उन्होंने पूछा कि क्या बात हुई। यह पता चलने पर कि सभी को गोनू झा ने बुलवाया, फिर उसको गोनू झा ने सभी दोस्तों को, दोस्त ने गोनू झा को बुलवाया, दोस्त का माथा ठनका कि मक्कार को फिर क्या खुराफात सूझी, पर वह वहां गांव के गणमान्य व्यक्तियों को भगाए तो भगाए कैसे। गोनू झा भी उपस्थित हुए, उन्हें देखते ही वह दोस्त दुकान छोड़कर बाहर जाने लगा। गोनू झा ने अपने पुराने लंगोटिया यार को बाहर निकलते देख चौंकते हुए कहा, पहले उसे यहाँ बुलाइए। चौंकते हुए क्या कहा कि पहले इसे यहाँ बुलाइए, तभी कुछ कहना मुनासिब होगा, मतलब कि तभी कुछ कहना होगा कि जब पहले वो यहाँ पर आएंगे। अब पंचों के बुलाने पर अंततः वह उसके पास आया। अब पंचों ने जब उसको बुलाया तो वो उनके पास में आया और गोनू झा ने मिट्टी के और असली सिक्कों के दोनों बटवे निकालकर बीच में रख दिए। अब गोनू झा ने क्या किया, गोनू झा को पहले बुलाया, फिर उसके पास जो मिट्टी के और जो असली सिक्के थे उनको निकालकर वो बीच में रख दिया और कहा, पंच परमेश्वर मेरे इस अजीज दोस्त को यह जानने की दिली ख्वाहिश है, मतलब की उसकी इच्छा है कि मैं सच को झूठ
और झूठ को सच में कैसे परिवर्तित कर देता हूँ। अब गोरु ध्रुव का जो मित्र था उसने सबसे पहले यही पूछा था कि वो किस तरह से झूठ को सच करता है, बेईमान को कैसे ईमानदार बनाता है। तो उसकी ये ख्वाहिश थी कि वो किस तरह से झूठ को सच में कैसे परिवर्तित करता है, वो ही उसके साथ में किया। मैंने इसे आगाह भी किया था, मैंने इसे पहले ही कहा था कि अगर मैं तुम्हारे बारे में जो विचार है वो बताऊंगा तो हमारी दोस्ती दुश्मनी में बदल जाएगी। लेकिन इसने जिद पकड़ ली थी, इसलिए असत्य का सहारा लेकर दोस्त को दुश्मनी में बदलना पड़ा। उसने झूठ का सहारा लिया और उसने दोस्त सहारा लेकर दोस्ती को दुश्मनी में बदलना पड़ा। ये सिक्के मैं चुपचाप भी वापस कर सकता था, किंतु सभी के सामने यह जलील हुआ था, इसलिए आप लोग के सामने ही लौटाना उचित समझा। और फिर मित्र की पीठ पर एक ढोल जमाते हुए कहा, अब तो मुझे समझने में देर न लगेगी। अब उसने क्या कहा, दोस्त ने उसकी पीठ पर हाथ रखा और हाथ से मतलब से थपथपाते हुए कहा कि अब तो मुझे समझने में देर नहीं लगेगी। पहले उसकी दोस्त की यही इच्छा थी कि वो किस तरह से सच को झूठ को सच, ईमानदार बेईमान को ईमानदार किस तरह से वो बनाता है। तो उसने अपने ही बारे में उसने पूछना चाहा कि तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो। फिर उसने कहा कि अगर मैं तुम्हारी धारणा तुम्हारे बारे में जो विचार मैं बताऊंगा उससे हमारी जो दोस्ती है वो टूट सकती है, वो दुश्मनी में बदल सकती है। लेकिन उसने भी क्या है कि जिद पकड़ रखी थी कि नहीं, तुम्हें बताना ही है कि मेरे बारे में तुम्हारे क्या विचार है। तो फिर वो सोने के सिक्के जो मिट्टी के जो सिक्के थे उसको दिए और जो फिर उसने कहा दोनों झाने कि ये जो सिक्के हैं ये ऐसे क्यों दे रहे हो, इसमें रख के तो दो। तो उसने एक स्पेशल बटवे में उसने रख के दिया। फिर उसने पांच आदमी बुलवाए जो गांव के जो मुखिया होते हैं, उसके बीच में उसने ये सब बातें रखी जैसा कि हमने कहानी में पढ़ा। और जो उसका सच का जो उसके पीछे का जो झूठ था या सच था वो उसके सामने लेकर आया और इस तरह से वो अपने दोस्त से दुश्मन उसको मारने लगा। और दुश्मनी फिर उसके बाद में जब उसकी जो सच्चाई सामने आई तो उसने उसकी ख्वाहिश थी कि मैं किस तरह से झूठ को सच में परिवर्तित कर सकता हूँ। तो यही उसके दोस्त ने देखा और उसने यही जिद भी पकड़ ली थी कि किस तरह से वो असत्य का सहारा लेकर दोस्ती को दुश्मनी में बदला। लेकिन वो सिक्के में चुपचाप ही वापस करता था, लेकिन क्योंकि वो सिक्के उसको वापस भी कर सकता था चुपचाप से, लेकिन वो उसको बताना चाहता था कि किस तरह से वो उसकी जो पीछे का जो मन में जो विचार है वो कैसे उसके बाहर आए, इसीलिए उसको वो समझाना चाहा। तो फिर उसकी मित्र की जो पीठ है वो थपथपाते हुए उसने कहा कि देखो अब तो मुझे समझने में देर नहीं लगेगी। ये थी गोनू झा और उसके मित्र की कहानी। तो बच्चों ये थी गोनू झा और उसके मित्र की ये कहानी। अब हम आगे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।